भाई लोग, मैं सोच रहा हूँ कि बेस्ट सेंसिटिविटी बताने से पहले मैं तुम लोगों को वो सीक्रेट ट्रिक बता दूं जिससे तुम्हारे मोबाइल की सेंसिटिविटी एक दो नहीं बल्कि 5 गुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। चा? अरे एटीट्यूड भाई, सच में क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज यार बता दो मुझे भी वो ट्रिक। नहीं देखो, ये एक सीक्रेट ट्रिक है तो इसे तुम लोग अपने दोस्तों को मत बताना। इसका यूज खुद करना और सभी बंदे को सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट मारना। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना तुम्हारे मोबाइल की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। तुम्हें सिंपली अपने गेम को ओपन करना है, चुपके से क्या करना है, सेटिंग बटन पर प्रेस करना, एकदम धीरे से। तुम्हें सेटिंग बटन को प्रेस करना है एकदम धीरे से, अगर जोर से करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। फिर तुम्हें यहाँ सेंसिटिविटी का ये जो जनरल ऑप्शन मिलता है इसे सिंपली फुल कर देना, बस हो गई तुम्हारी गेम की सेंसिटिविटी 5 गुना से ज्यादा। अबे साले, अरे सॉरी, मजाक कर रहा था। अब मैं तुम लोगों को रियल ट्रिक बताता हूँ। देखो सिंपली तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो सेटिंग पर जाना है। ऐसे सेटिंग का कोई काम नहीं है, सेटिंग को काट कर हटा दो। फिर तुम्हें गेम पर जाना है एंड गेम के सेटिंग पर जाना है। नहीं नहीं, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी हटा दो। देखो सिंपली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें चुपके से किचन रूम में जाना है। हाँ, लेकिन चुपके से ही जाना, क्योंकि अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें देख लेते तो झाड़ू से तुम लोग बहुत पिटोगे। और वहां जाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, सरसों का तेल। अब तुम्हें क्या करना है, वो लेना है, अपने स्क्रीन पर लगाना है पाउडर के बदले। बस हो गई 5 गुनी से भी ज्यादा सेंसिटिविटी। बुरा नहीं मानना सर। गाइस, ये तो बात थी फन की, लेकिन अब मैं तुम लोगों को बेस्ट सेंसिटिविटी भी बताऊंगा तुम्हारे डिवाइस के लिए। और सच बताऊं तो ये सभी गन्स पर वर्क करेगी। और इस वीडियो पर तुम लोग अपने डिवाइस के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड करने का तरीका भी जानोगे। एनीवे, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोगों को UMP गन ही लेना है या फिर शॉट गन ही लेना है। देखो, तुम लोग अपने गन बॉक्स पर ओनली 3 गन्स को ही रख सकते हो, तो तुम लोगों को क्या करना है कि वैसे गन्स को ही रखना है जिन गन्स का तुम लोग ज्यादा यूज करते हो। मतलब कि या तो एक डिजर्ट ईगल रख लो, एक UMP रख लो और एक शॉट गन रख लो। एंड इसके बाद तुम्हें जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड पर। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें जनरल सेंसिटिविटी फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है तुम सभी यही बोलोगे कि मुझे ज्यादा सेंसिटिविटी ही चाहिए, तो बस तुम्हें इसको फाइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जनरल सेंसिटिविटी को कर देना। देखो, तुम्हारा जनरल सेंसिटिविटी जितना ज्यादा होगा, टच रिस्पॉन्स भी तुम्हारे डिवाइस का उतना ही ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास 2 GB, 3 GB, 4 GB या 6 GB रैम का डिवाइस हो तो भी तुम्हें अपने जनरल सेंसिटिविटी को फुल पर ही रखना है। और जब बात करें रेड डॉट सेंसिटिविटी की, तो तुम लोग इसको ध्यान से समझना। देखो, अगर कोई भी गन होता तो उस पर तुम लोग 2 स्कोप को ही ऐड कर सकते हो, या तो 2x स्कोप या फिर 4x स्कोप। लेकिन अगर तुम्हारे गन पर ना ही 2x स्कोप है और ना ही 4x स्कोप, तब फिर होता है तुम्हारा रेड डॉट, यानी कि ये जो तुम्हें छोटा जैसा स्कोप दिख रहा है यही होता है रेड डॉट। जब तुम लोगों का रेड डॉट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा तो तुम लोग इस स्कोप को ओपन करने के बाद इधर से उधर तुम लोग ज्यादा मूव कर पाओगे, जैसा कि तुम लोग बैकग्राउंड पर देख रहे हो। तू समझा? 2x स्कोप की सेंसिटिविटी तुम्हारे 2x स्कोप के लिए वर्क करती है, उसी तरह 4x वाली 4x स्कोप के लिए वर्क करती है। अरे एटीट्यूड भाई, वन टैप के लिए कौन सी सेंसिटिविटी वर्क करती है वो तो बता दो। देखो, इसको जानने से पहले तुम लोग जनरल को 2x स्कोप एंड 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को फुल कर देना। और अगर तुम लोग AWM यूजर और AWM से अच्छा गेम प्ले करना चाहते हो, तुम लोग अपने AWM की सेंसिटिविटी को 95% पर कर देना। एंड यहां पर तुम्हें मिलता है फ्री लुक की सेंसिटिविटी, इसको तुम लोग क्या करना, 70% पर कर देना। और अगर बात करें कि वन टैप के लिए कौन सी सेंसिटिविटी वर्क करती है, तो देखो उसके लिए बस 2 सेंसिटिविटी वर्क करती है, वो है जनरल वाली और दूसरी है ये रेड डॉट। मतलब कि देखो, ऐसे तो रेड डॉट सेंसिटिविटी होती है नो स्कोप के लिए, मतलब कि इस तरह के स्कोप के लिए। लेकिन सिंपली तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर आना एंड क्या करना, 5-5 किल करना और रेड डॉट को भी चेंज करते रहना। मतलब कि तुम लोग डिजर्ट ईगल से 5 हेडशॉट मार लो, उसके बाद तुम लोग रेड डॉट को चेंज कर लो, फिर तुम लोग UMP से हेडशॉट मार लो, 5-5 किल्स कर लो, उसके बाद तुम लोग फिर से रेड डॉट को चेंज कर लो। और ऐसा में तब तक करना है जब तक तुम्हारे ज्यादातर बुलेट्स हेड पर ना लगे। और तुम लोग ये विश्वास करो कि तुम्हारे रेड डॉट सेंसिटिविटी से भी तुम्हारे हेडशॉट्स लगते हैं। देखो, रेड डॉट सेंसिटिविटी तुम्हारे इस मार्क के लिए वर्क करता है, यानी ये जो तुम्हें मार्क दिख रहा है यही होता है रेड डॉट। और यही कारण है कि रेड डॉट तुम्हारे इस स्कोप के साथ साथ सभी गन्स पर भी वर्क करते हैं। तो चलो ये जानते हैं कि तुम्हारे डिवाइस चाहे 2 GB, 3 GB, 4 GB या फिर 6 GB रैम का हो, उसके लिए न्यू बेस्ट सेंसिटिविटी कौन सी होगी। गाइस, तुम सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरी इस बात को प्लीज मान ही लेना। देखो, रिक्वेस्ट ये है कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिलेगी फेसबुक पेज, तो उस फेसबुक पेज को प्लीज जाके फॉलो कर लेना, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट रिक्वेस्ट करता हूँ, जाके फॉलो कर लेना।
सो देखो, अगर तुम्हारे पास 2 GB या फिर 3 GB रैम का डिवाइस है तो ये होता है लो एंड डिवाइस। मतलब कि अभी के समय पर गेम खेलना इस पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसे डिवाइसेस पर तुम्हें रेड डॉट को भी 98% पर रखना है। एंड अगर तुम्हारे पास 4 GB रैम का डिवाइस है तो 4 GB रैम पर लगभग अभी के समय पर गेम खेलना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और अच्छी खासी गेम प्ले भी हो जाती है। सिंपली तुम्हें अपने रेड डॉट सेंसिटिविटी को 95% पर रखना है। और अगर तुम्हारे पास 6 GB या फिर 8 GB रैम का डिवाइस है तो फिर तुम्हें अपने रेड डॉट सेंसिटिविटी को 65% पर रखना है। और जैसा कि मैंने बोला था कि वन टैप की फुल डिटेल्ड वीडियो आएगी, वो भी हैंड कैम के साथ, और हाँ उसको मिस तुम लोग नहीं करना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना।